यस, ये इंटर वाले बच्चों, एग्जाम्स आर राइट राउंड द कॉर्नर, तो जल्दी से बताइए आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है। आई एम श्योर आपकी पढ़ाई एकदम धमाकेदार धुआंदार प्रेपरेशंस के साथ डेफिनेटली चल रही होगी। यस, माई सेल्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी पीयूषा सारडा ठक्कर, आई एम हियर ऑन बिहाफ ऑफ www.mepl classes.com, जहां पे हमारा सिर्फ एक ही मंत्र है, मंत्र ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, सर्विंग द बेस्ट टू आवर स्टूडेंट्स। यस, और इसी इसी एम से हमने सोचा कि क्यों ना इन बच्चों का टेंशन थोड़ा सा कम किया जाए, क्यों ना इन बच्चों को थोड़ा सा एबीसी एनालिसिस करके थोड़ा सा हेल्प कर दिया जाए, ताकि थोड़ा सा उनका कंफर्ट लेवल इजी हो जाए। बच्चों, तो यस, ऐसे ही धमाकेदार पावर पैक सेशंस में आपका स्वागत है। यस, एंड बच्चों, ऐसे ही और भी अच्छे नॉलेजेबल सेशंस चाहिए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो द बेल आइकन, सो दैट यू आर द फर्स्ट वन टू गेट द न्यू वीडियो नोटिफिकेशन। ओके बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एबीसी एनालिसिस विथ रिस्पेक्ट टू हमारा जो आईडीटी का सिलेबस है। इससे रिलेटेड एबीसी एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं। तो अगर हम सीए इंटर के सिलेबस की बात करें, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को मैंने कैटेगरी ए में क्लब कर दिया है, और इस कैटेगरी ए में बच्चों, इस कैटेगरी ए में मैंने इन सारे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को डाला है जिनको मैं क्रक्स ऑफ जीएसटी मानती हूँ। सप्लाई है, वैल्यू ऑफ सप्लाई है, एंड इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। सी, जब हम सप्लाई की बात करते हैं, दैट इज द एंटायर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ जीएसटी। सो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कोई हो ही नहीं सकता। सो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया सप्लाई। इसके बाद इस सप्लाई, हमें जो जीएसटी पे करना है वो वैल्यू पे करना है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई को किस प्रकार से कॉम्प्यूट करना है। देन इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं गाइस एग्जाम्स में, तो इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी के चैप्टर को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। देन यू हैव टाइम ऑफ सप्लाई। यस, टाइम ऑफ सप्लाई जो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। यस, देन यू हैव कॉम्पोजिशन स्कीम, इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड एग्जेम्पशंस। कॉम्पोजिशन स्कीम, इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड एग्जेम्पशंस, दीज आर लाइक द स्टमक, लिवर एंड किडनीज ऑफ जीएसटी। यस, एब्सोल्यूटली यस बच्चों। तो इनके बिना जीएसटी फंक्शन ही नहीं कर सकता। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि इन चैप्टर्स में से आपके पास कोई चॉइस है ही नहीं बच्चों, इन चैप्टर्स का वर्ड और वर्ड का कवरेज हमें करना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। फिर अगर हम बी कैटेगरी की बात करते हैं बच्चों, जो कि इससे मैं कम इंपॉर्टेंट मानती हूँ, इसमें मैं और एक एडिशन करना चाहूंगी। यस, इसमें मैं रिटर्न्स वाला चैप्टर, रिटर्न्स अंडर जीएसटी को ऐड करना चाहूंगी। तो इस कैटेगरी बी में, इस कैटेगरी बी में बच्चों, रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, देन यू हैव टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट्स, क्रेडिट नोट्स, यू हैव ईवे बिल एंड रिटर्न्स अंडर जीएसटी। तो अब अगर हम कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी के बारे में बात करें, तो कैटेगरी ए इज डेफिनेटली द क्रक्स ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी के जो बेसिस है वो हमने कैटेगरी ए में कवर किए हैं, और जीएसटी के कॉम्प्लायंस वाले पार्ट को हमने कैटेगरी बी में कवर किया है। अब कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी दोनों ही ऐसे देखा जाए तो इम्पोर्टेंट पार्ट रोल प्ले करते हैं, बट अब हमें प्रायोरिटाइज करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैंने क्रक्स ऑफ जीएसटी को कैटेगरी ए में डाल दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं, एंड कॉम्प्लायंस ऑफ जीएसटी को कैटेगरी बी में डाल दिया। इसको छोड़ के बाकी के जो भी चैप्टर्स हैं उनको कैटेगरी सी में आप कवर कर सकते है। तो दिस इज द राइट वे एज पर, दिस इज माई सजेशन टू यू एंड माई थिंकिंग, कि किस प्रकार से आपको इन एनालिसिस करके कम टाइम में ज्यादा कवरेज कर लेना चाहिए। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। डेफिनेटली लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है विथ रिस्पेक्ट टू दिस एबीसी एनालिसिस। एंड गाइज, डू योर बेस्ट, दिस इज द बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ। तो आपके सपने पूरे करने का, आपके सपनों को पूरा होने का चांस देने के लिए ये सबसे सुनहरा मौका है। सो गिव योर बेस्ट शॉट ड्यूरिंग दीज टाइम्स गाइज। ओके, एंड वी ऑल्सो एट meplclasses.com and on this channel guys, we are there for you, okay, for anything and everything you want. Okay, so don't forget to subscribe the channel, press the bell icon and also like the video. Okay, www.meplclasses.com is at your service is what I can tell you. Thank you so much.